दोस्तों ये है ग्रेनेरो का वायरलेस माइक्रोफोन। काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। अब इसकी खास बात ये है कि इसमें है रिवर्ब मोड, जिसकी वजह से आपको मिलता है वो रिवर्ब वाला इफेक्ट। और दोस्तों इसमें है 3 लेवल नॉइज रिडक्शन, जिसकी वजह से आप आउटडोर्स भी बहुत अच्छे से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और आप इसको iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के साथ यूज कर सकते हो। तो आई गेस इतना इंट्रो इस प्रोडक्ट के लिए काफी है। अब कैसा है ये प्रोडक्ट, हर एक चीज बताने वाला हूं, बट उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी इसका कर दिया है, बट आपको बता दूं कि इस तरह के बॉक्स में जो है आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हो सबसे ऊपर आपको वारंटी कार्ड देखने मिलता है। उसके अलावा व्हाइट पैकेजिंग में आपको ये माइक्रोफोन मिलता है। एक एक्सेसरीज का बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आपको टाइप सी का चार्जिंग केबल मिलता है। 2 अडैप्टर मिलते हैं टाइप सी टू 3.5 mm पोर्ट के, और एक लाइटनिंग अडैप्टर मिल जाएगा जो आप iOS डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यूज़र मैनुअल भी मिलेगा, तो वो ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें पेयरिंग एंड ऑल हर एक चीज़ जो है दी गई है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बॉक्स कंटेंट को लेके इतना ही है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की ओर। तो केस के बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा सबसे पहले। यहाँ पे आप प्राइस के हिसाब से जो है डिसेंट बिल्ड क्वालिटी इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड है, और केस के ऊपर जो है यहाँ पे सामने के साइड पे ग्रेनेरो की ब्रांडिंग है। नीचे यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए। जैसे ही आप केस का लीड ओपन करते हो 2 ट्रांसमीटर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और एक रिसीवर मिलेगा। ट्रांसमीटर जो है यानी कि 2 माइक्रोफोन है इसके अंदर जो आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करूंगा मैं ट्रांसमीटर के बिल्ड क्वालिटी की। तो केस के कंपैरिजन में मुझे ट्रांसमीटर का बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा है। इस पर भी ग्रेनेरो की ब्रांडिंग है। ऊपर के साइड पे यहाँ पे LED इंडिकेशन आपको देखने मिलता है। साइड में यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिलता है, जो आपको टाइप सी टू 3.5 mm वाला अडैप्टर मिलता है, वो आप यहाँ पे कनेक्ट करके हेडफोन अटैच करके या हेडफोन कनेक्ट करके मॉनिटर कर सकते हो। तो जो भी ऑडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो आप लाइव मॉनिटर कर पाओगे। ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब पीछे के साइड पे क्लिप भी मिलता है, तो आप शर्ट या फिर टी शर्ट पे जो है यहाँ पे क्लिप करके आराम से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ओवरऑल ट्रांसमीटर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। केस की थोड़ी सी और स्टडी होती तो अच्छा होता। अब शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि इसके बेसिक स्पेसिफिकेशन क्या है। 2.4 GHz का जो है इसका ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 3 लेवल का जो है नॉइस रिडक्शन मोड आपको इसके अंदर मिलता है, जो काफ़ी अच्छे से काम करता है। और रिवर्ब मोड तो एडिशनल है ही, वो तो आपने ऑलरेडी इंट्रो में चेक किया होगा। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेट 20 मीटर्स तक का इसका रेंज है, और कनेक्टिविटी वाइज एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों पेयरिंग की बात निकली है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे डाउनलोड नहीं करना है इस माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए। ये प्लग एंड यूज़ वाला माइक्रोफोन है। बस रिसीवर जो है एंड्रॉयड डिवाइस के साथ आप यूज़ कर रहे हो, तो रिसीवर एंड्रॉयड डिवाइस में कनेक्ट कर दीजिए और ट्रांसमीटर ऑन कर दीजिए। और ग्रीन लाइट अगर कंटिन्यूसली ऑन रहेगी तो यहाँ पे ये पेयर हो चुका है। बट अगर LED इंडिकेशन कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है तो पेयरिंग में दिक्कत हो सकती है। तो उस सिचुएशन में आपको एंड्रॉइड डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ, सेटिंग्स में जाना है, OTG का ऑप्शन आपको ऑन करना है, और फिर यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा। वहीं पे अगर आपको iOS डिवाइस के साथ पेयर करना है, तो आपको जो लाइटनिंग अडैप्टर मिलता है वो रिसीवर के साथ कनेक्ट करना है, और फिर वहीं ट्रांसमीटर ऑन कीजिए, अपने आप पेयर हो जाएगा। अब रिसीवर की एक चीज़ ये अच्छी लगी मुझे कि इस पर टाइप सी पोर्ट आता है। तो अगर किसी की बैटरी फ़ोन की जो है जल्दी से ड्रेन हो जाती है, तो इस टाइप सी पोर्ट में आप चार्जिंग केबल लगा के एट अ टाइम चार्ज भी कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग भी आप कर पाओगे और उसी समय फ़ोन को चार्ज भी कर पाओगे। ये काफ़ी हैंडी चीज़ है, बहुत सारे लोगों के काम आने वाली है। तो पेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी प्रोसेस है। अब आते हैं इसके मोड्स के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको 3 लेवल के जो है नॉइस रिडक्शन मोड मिलते हैं। अब वो मोड एक्टिवेट करने के लिए आपको जो पावर बटन है, एक बार अगर आप प्रेस करोगे तो रिडक्शन जो है नॉइस रिडक्शन फर्स्ट लेवल पे जो है एक्टिवेट हो जाएगा। एक बार और प्रेस करोगे तो सेकंड लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, और एक और बार प्रेस करने के बाद यहाँ पे 3rd लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। और आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आना है, तो एक बार और प्रेस कर दीजिए पावर बटन को, तो डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे रिवर्ब मोड अगर आपको ऑन करना है, तो उसके लिए पावर बटन आपको 3 बार प्रेस करना है, और रेड और ग्रीन लाइट में जो है यहाँ पे LED इंडिकेशन जो है आएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा रिवर्ब मोड ऑन है। और बंद करने के लिए एक बार फिर से पावर बटन 3 बार प्रेस कर दीजिए, तो रिवर्ब मोड यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो यस, बटन्स को लेके यही कुछ यूसेज है, आप यूज़ कर लेना जब आप बाय कर लोगे। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे कि इसका माइक आउटपुट कैसा है। बट उससे पहले, अभी तक आप वीडियो यहाँ पे देख रहे हो यार, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब दोस्तों इसका माइक आउटपुट कैसा है डिफरेंट लेवल पे या डिफरेंट मोड्स में, वो चेकआउट कर लीजिए। दोस्तों ये जो ऑडियो आप सुन रहे हो ये है ग्रेनेरो वायरलेस माइक्रोफोन से। इस टाइम पे मैं अपने फोन से शूट कर रहा हूँ, जो मुझसे लगभग 2 से 3 मीटर की दूरी पर है।
फैन का सेटअप मैंने यहाँ पे कर दिया जो एक हाथ की दूरी पे, तो फैन में जो है यहाँ पे पूरे स्पीड में ऑन करने वाला हूँ ताकि पता चले कि इसका नॉइज रिडक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। तो डिफॉल्ट माइक सेटिंग पे आपको बहुत अगर हवा चल रही होगी तो कुछ इस तरीके का ऑडियो आउटपुट मिलेगा। लेवल 1 नॉइज रिडक्शन यहाँ पे हम ऑन करने वाले हैं। लेवल 1 नॉइज रिडक्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है तो कुछ इस तरीके का ऑडियो आउटपुट आपको मिलेगा अगर बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो। लेवल 2 पे स्विच करेंगे, यहाँ पे नॉइज रिडक्शन लेवल 2 एक्टिवेट हो चुका है तो बहुत विंडी एनवायरनमेंट होगा तो कुछ इस तरीके का ऑडियो आउटपुट आपको मिलेगा। लेवल 3 पे आप स्विच करते हैं और लेवल 3 नॉइज रिडक्शन एक्टिवेट हो चुका है तो फाइनल लेवल पे आपको कुछ इस तरीके का ऑडियो आउटपुट मिलेगा अगर बहुत ज्यादा विंडी एनवायरनमेंट है या बहुत ज्यादा हवा है। फैन पूरी तरीके से अभी जो है हम यहाँ पे बंद कर देंगे और नॉर्मल रूम में जो है या फिर स्टूडियो में जो है आपको लेवल 3 पे कुछ इस तरीके का ऑडियो आउटपुट मिलता है। रिवर्ब मोड भी चेक करेंगे और रिवर्ब मोड में यहाँ पे नॉइज रिडक्शन जो है काम करता है। रिवर्ब मोड के लिए 3 बार प्रेस करना है आपको और रिवर्ब मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है तो कुछ इस तरीके का ऑडियो आउटपुट आपको मिलेगा अगर आप रिवर्ब मोड यूज करते हो तो, सिंगिंग के लिए या फिर ऑर्केस्ट्रा वाले फील के लिए जो है आप यूज कर सकते हो। माइक टेस्ट आपको कैसा लगा याद से बताइए। अब बात करूंगा इसके बैटरी की कि आउटपुट कितना है, चार्जिंग के लिए कितना टाइम लगता है। चार्जिंग के लिए दोस्तों बेसिकली आपको अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा फुल चार्ज होने के लिए और एक सिंगल चार्ज पे आपको 5 से 6 घंटे का बैकअप मिलेगा जो कि काफ़ी डिसेंट है। बट हर शूट से पहले आप जो है इसे कम्प्लीटली चार्ज कर दीजिए ताकि शूट के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस की। अमेजोन से मैंने इसे बाय किया था 2500 में, नीचे लिंक्स मैं दे दूंगा तो जाके चेकआउट कर सकते हो। एक और चीज़, ये जो है बेसिकली 2 टाइप में आते हैं, एक है एंड्रॉयड वाला वर्जन जो सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के साथ ही काम करेगा और एक है जेनेरिक वर्जन जो कि मेरे पास है जो कि दोनों डिवाइसेस में काम करेगा एंड्रॉयड एंड iOS। तो दोस्तों मेरे फाइनल ओपिनियन की बात करूंगा कि 2500 में ये आपको बाय करना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली मेरी तरफ से थम्स अप है क्योंकि इस प्राइस में मुझे ये बेस्ट लगा है। आपको 3 लेवल नॉइस रिडक्शन मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। माइक का आउटपुट मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा रिवर्ब मोड जो है मिल जाता है तो कि वो बहुत सारे लोगों का आई थिंक इंटरेस्टिंग लग सकता है, कुछ लोग यूज़ करेंगे। कितना यूज़फुल है ये आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो यस, मेरी तरफ से थम्स अप है, डेफिनेटली प्राइस के हिसाब से आई थिंक ये एक वर्थ बाय है। तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिए। अगर मुझसे कुछ भी मिस आउट हो गया है कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक या गैजेट के साथ। थैंक यू।